इससे पहले कि मैं आपसे बातें करूं, आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो ये नवरात्रि का समय है, ऐसे समय में हम अक्सर बाहर जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, घूमने जाते हैं, घूमते फिरते हैं। और हर इस काम में एक चीज की जरूरत होती है, वो है कम्युनिकेशन। अगर हमें दोस्तों से बात करना हो तो वहां कम्युनिकेशन लगती है, अगर हमें दोस्त बनाने हो उसमें कम्युनिकेशन लगती है। तो बातों के बिना हर चीज अधूरी है। अभी मुझे एक प्रश्न पूछना है आपसे, क्या आपको लगता है कि आप सही तरह से बात करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप जो बातें करते हैं वो एक क्वालिटी स्पीच है? अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो फिर मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर देता हूं। चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब टू द स्मॉल टॉक्स चैनल नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। देखिए, लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान गलती करता है, लेकिन अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए, राइट? तो अभी मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं, ये वो गलती है जो हम में से 95% लोग इन गलतियों को करते हैं, और जाने अनजाने में हम ये गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये जानबूझ के करते हैं, हमसे हो जाती है ये गलतियां। आप मैं सब ये गलतियां कर चुके हैं और करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या गलतियां हैं और जिन्हें सुधार कर हम अपनी स्पीच को या अपनी बातों को बेहतर बना सकते हैं। तो पहली नंबर पे आती है स्पीच ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ स्पीच एक्चुअली। तो ये क्या है? देखिए, जब हम बातें करते हैं और हमारे पास शब्द नहीं होते, तो उसकी वजह हम कुछ इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे या यू नो। तो इन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो शायद आपको पता होगा कि जब राहुल द्रविड़ कभी स्पीच दिया करते थे तो वे अपने स्पीच में एक पर्टिकुलर वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, वो था फैंटास्टिक। वो ऐसा कहते थे, द बॉयज प्लेड फैंटास्टिक, द गाइज प्लेड फैंटास्टिक, आई मीन द पिच वॉज फैंटास्टिक एंड वी मेड फैंटास्टिक रन्स, या दैट वॉज अ फैंटास्टिक क्रिकेट। तो वो इस तरह से बातें करते थे। अगर आप कभी राहुल द्रविड़ के स्पीच सुने तो आपको ये फैंटास्टिक वर्ड बहुत नजर आएगा। तो ये हम अक्सर गलतियां करते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं होते और उसके वजह हम ये या यू नो ये फिलर्स इस्तेमाल करते हैं। तो इनका इस्तेमाल करने से बचें। अगर आपके पास कोई शब्द नहीं है तो एक सेकेंड अपने माइंड में सोच लें उसे, फिर उसे बात उसे उसको अमल में लाएं। जी हाँ, दूसरे नंबर पे आता है पॉजेस। इसका मैं एक छोटा सा फनी एग्जांपल देना चाहूंगा। बचपन में जब माँ आपके बारे में कोई शिकायत करती थी पापा से, तो पापा आपको कुछ बताते नहीं थे या फिर आपको डांटते नहीं थे, बस उनके आंखें दिखाने भर से या फिर उनके खामोश रहने से आपको लग जाता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, राइट? आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप समझ रहे हैं कि मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूं। जी हाँ, पॉजेस। जब आप बात करते हैं तो पॉजेस का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप संडे को क्या कर रहे हैं, तो मेरा जवाब ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं संडे को सुबह क्रिकेट खेलता हूँ, यू नो, फिर उसके बाद मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ और रात को घर में आके सो जाता हूँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके सेंटेंस में कहाँ पॉज लेना है आपको। जी हाँ, तो पॉज कैसे लेके बात करेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि आप संडे को क्या करते हो, जी मैं सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ, उसके बाद अपने फैमिली के साथ वक्त बिताता हूँ, फिर शाम को दोस्तों के साथ जाते हैं और रात को घर में आ जाते हैं, आके सो जाते हैं, बस। तो आपको पॉज कहाँ लेना है, ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट होती है स्टोरी बिल्डिंग, या फिर आप इसे ऐसा कह सकते हैं स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल। जी हाँ, अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करिए। अब स्टेटमेंट्स कैसे करेंगे? अगर हम किसी से बातें कर रहे हैं तो एक वर्ड या फिर ऐसा पूछते हैं कि व्हाट इज योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है, और वो आपको बताएगा कि मेरी हॉबीज है म्यूजिक, स्पोर्ट्स। फिर वो आपसे पूछेगा आपकी हॉबीज क्या है, आप बताएंगे दिन भर सोना, बातें करना, बस खत्म। ये ना करके आप एक स्टेटमेंट में बोल सकते हैं,
आप मुझे काफी इंटरेस्टिंग आदमी लग रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहे हैं, मैं आपकी हॉबीज गेस कर सकता हूँ, और फिर आप उसकी हॉबीज गेस करते हैं, अगर वो सही हुई तो आप उस बारे में उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर गलत हुई तो भी उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, जी नहीं आप तो ऐसा लग रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता मैं, तो ये होता है एक कम्युनिकेशन बिल्ड करने का प्रोसेस, आप अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। फोर्थ नंबर पे तो जो पॉइंट आती है उसे हम कहते हैं कन्वर्सेशन थ्रेडिंग। कन्वर्सेशन थ्रेडिंग कैसे करते हैं या फिर क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मुझे कोई एक बंदा मिला, मैं कहीं एग्जाम देने गया था, मुझे वहां पे एक बंदा मिला या फिर एक दोस्त मिला जिससे मैंने बात की। बात ऐसे होती है, और भाई कहां से हो तुम? जी मैं मुंबई से हूं। तुम कहां से हो? अहमदाबाद से हो। अच्छा और क्या करते हो? मैं जॉब करता हूं। तुम क्या करते हो? कुछ जॉब करते हो। फिर अच्छा और सुनाओ, बस और सुनाओ और बताओ में हमारी बातें खत्म हो जाती है। तो कन्वर्सेशन थ्रेडिंग कैसे करते हैं कि जब हमसे पूछा गया कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जी मैं एक्चुअली हूं तो बैंगलोर से, लेकिन मैं रहता हूँ मुंबई में, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे म्यूजिक पसंद है, और इस माहौल में मुझे रहना पसंद है। तो अगर आप ये बातें नहीं बताते हैं तो शायद वो ऑपोजिट वाला जो बंदा है वो आपको ये बातें बता सकता है, राइट। और इस तरह से थ्रेडिंग की शुरुआत हो सकती है। जब आपने कहा कि आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई से रिलेटेड बहुत सारे बात निकल के आते हैं, जैसे आपको भीड़ भाड़ पसंद है, आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, तो ये बातों को लेके आप आगे डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कन्वर्सेशन थ्रेडिंग। ये आइदर वन साइड, मतलब अगर आपके साइड से हुआ तो भी अच्छा है, और अगर दूसरे के साइड से हुआ तो भी बहुत अच्छा है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो जाने अनजाने हम सब करते हैं, और इन गलतियों को सुधार कर हम अपने स्पीच को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।